वेलकम फ्रेंड्स, आज हम लोग शुगर केन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और एग्रीकल्चर एग्ज़ाम्स का तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा लें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, शुरू करते हैं। फर्स्ट है बॉटनिकल नेम ऑफ ट्रॉपिकल केन इज़ सेकेरम ऑफिस नेरम। क्या है? सेकेरम ऑफिस नेरम है बॉटनिकल नेम। बॉटनिकल नेम ऑफ इंडियन केन इज़ सेकेरम बारबेरी एंड सेकेरम साइनेंसिस। ये दो वैरायटी हैं जो इंडिया का है ना, इंडियन केन बोलते हैं। फिर है बॉटनिकल नेम ऑफ वाइल्ड केन इज़ सेकेरम स्पॉन्टेनियम एंड सेकेरम रोबुस्टम, है ना। ये दो वैरायटी हैं ये जो वाइल्ड केन। फिर देखते हैं फैमिली ऑफ शुगर केन इज़ ग्रैमिनी, जिसको पोएसी भी बोलते हैं ना। फैमिली क्या है? ये है ग्रैमिनी। ओरिजिन ऑफ शुगर केन इज़ इंडो बर्मा, ठीक, इंडो बर्मा में हुआ था ओरिजिन। फिर देखते हैं 48 शुगर केन क्रॉप सोन इन जुलाई अगस्त, कब को 48 शुगर केन कब बोते हैं? जुलाई अगस्त में। फिर है द ड्यूरेशन ऑफ 48 शुगर केन इज़ 16 to 18 मंथ्स, है ना। 48 शुगर केन का ड्यूरेशन 16 से 18 महीने तक होता है। द इन्फ्लोरेशन ऑफ शुगर केन इज़ नोन एज एरो या ओपन पेनिकल, है ना। इन्फ्लोरेशन को क्या बोलते हैं? शुगर केन के एरो बोलते हैं। फिर देखते हैं शुगर केन इज़ आल्सो नोन एज, क्या क्या बोलते हैं शुगर केन को? कैश क्रॉप है, C4 प्लांट, हैवी फीडर क्रॉप, हाईएस्ट वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप, इंटरमीडिएट डे लेंथ क्रॉप, पेरेनियल प्लांट एंड लॉन्ग डे प्लांट। ये सब शुगर केन का नाम है, ठीक है। फिर देखते हैं शुगर केन बॉल ऑफ वर्ल्ड इज़ क्यूबा, शुगर केन बॉल किसको, कौन सा देश है? क्यूबा। प्लांटिंग स्पेसिंग रो टू रो ऑफ शुगर केन इन नॉर्थ इंडिया इज़ 60 to 90 सेंटीमीटर, है ना। 60 से 90 सेंटीमीटर स्पेसिंग रखते हैं नॉर्थ इंडिया में। प्लांटिंग स्पेसिंग रो टू रो ऑफ शुगर केन इन साउथ इंडिया एंड एट साली क्रॉप इज़ 90 to 120 सेंटीमीटर, और साउथ इंडिया में ये 90 से 120 सेंटीमीटर तक का स्पेसिंग रखते हैं। फिर है थ्री बडेड सेट रिक्वायरमेंट ऑफ शुगर केन फॉर सोइंग इज़ 35,000 to 40,000 सेट्स पर हेक्टेयर, है ना। अगर तीन बर्ड वाला प्लांटिंग मटेरियल यूज़ करते हैं तो 35,000 से 40,000 सेट्स लगेंगे पर हेक्टेयर, है ना। टू बडेड सेट रिक्वायरमेंट ऑफ शुगर केन फॉर सोइंग इज़ कितना है? 80,000 सेट्स पर हेक्टेयर, है ना। अगर टू बडेड वाला यूज़ करेंगे तो 80,000 सेट्स पर हेक्टेयर लगेगा। फिर है सिंगल बडेड सेट रिक्वायरमेंट ऑफ शुगर केन फॉर सोइंग इज़ 1,20,000 सेट्स पर हेक्टेयर, है ना। अगर सिंगल बडेड यूज़ करते हैं तो 1,20,000 सेट्स लगेंगे। फिर है वंडर केन वैरायटी इज़ COC671, है ना। वंडर केन कौन सा वैरायटी है? COC671 हाईएस्ट शुगर परसेंटेज रहता है इसमें। शुगर यील्ड फ्रॉम शुगर केन इज़ 6 to 10% फ्रॉम जूस, है ना। कितना यील्ड रहता है? 6 से 10% तक शुगर यील्ड रहता है। बाई प्रोडक्ट ऑफ शुगर केन आर मोलासेस एंड बेगासेस, है ना। मोलासेस और बेगासेस ये बाई प्रोडक्ट हैं। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट NSI इज़ एट कानपुर, कहाँ है? कानपुर में। AICRP ऑन शुगर केन वॉज स्टार्टेड इन 1970-71 में, है ना। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन शुगर केन 1970-71 में शुरू हुआ था। फिर देखते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च 1952, कहाँ है? ये है लखनऊ UP में, है ना, IISR। शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट SBI 1912, ये कहाँ है? कोयम्बटूर तमिलनाडु, ठीक है। फिर है न्यूट्रिएंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर इन शुगर केन इज़ पोटेशियम, है ना। पोटेशियम है ये शुगर के ट्रांसलोकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल न्यूट्रिएंट है ना, पोटेशियम। सेमी रूट पैरासाइटिक वीड ऑफ सोरगम एंड शुगर केन इज़ स्ट्राइगा स्पीसीज, है ना। सेमी रूट पैरासाइट है स्ट्राइगा स्पीसीज शुगर केन में जो होता है। बेस्ट टेम्परेचर फॉर शुगर केन ग्रोथ इज़ 28 to 32 डिग्री सेल्सियस, है ना। ये बेस्ट टेम्परेचर है शुगर केन ग्रोथ के लिए। ऑप्टिमम सॉइल pH रिक्वायर्ड फॉर शुगर केन इज़ 6.5 to 7.5 pH, है ना। 6.5 से 7.5 pH लगता है। फिर देखते हैं सेलाइन सॉइल इज़ अनफिट फॉर कल्टिवेशन ऑफ शुगर केन, है ना। सेलाइन सॉइल अच्छा नहीं रहता है। शुगर केन इज़ कंसिडर्ड एज मेच्योर वेन ब्रिक्स रीडिंग इज़ बिटवीन 18 to 20%, है ना। ब्रिक्स रीडिंग अगर 18 से 20% है तो
मैच्योरिटी में आ गया है ऐसा समझते हैं। जीरो टिलेज इज़ मोस्टली प्रैक्टिस्ड इन शुगर केन, है ना, जीरो टिलेज शुगर केन में करते हैं जनरली। शुगर केन इज़ प्रोपोगेटेड थ्रू सेट्स, है ना, सेट से प्रोपोगेट करते हैं। फिर देखते हैं सुक्रोस परसेंट इन शुगर केन इज़ 13 to 24%, है ना, सुक्रोस कंटेंट परसेंट कितना हो सकता है, 13 से 24% तक। एवरेज शुगर रिकवरी फ्रॉम शुगर केन इज़ अबाउट 11%, एवरेज शुगर रिकवरी 11% मान सकते हैं। शुगर बॉल ऑफ इंडिया इज़ यूपी, है ना, ये है शुगर बॉल इंडिया का। रिज एंड फरो मेथड इज़ मोस्टली यूज इन शुगर केन इन इंडिया, है ना, रिज एंड फरो मेथड जनरली इंडिया में ज़्यादा यूज़ करते हैं। द शुगर कंटेंट रिकवरी इज मोर इन द केन प्रोड्यूस्ड एट साउदर्न इंडिया, है ना, साउदर्न इंडिया में शुगर रिकवरी ज़्यादा होता है। फ्लैट बेड मेथड ऑफ शुगर केन प्लांटिंग इज मोस्ट कॉमन इन नॉर्थ इंडिया, है ना, फ्लैट बेड मेथड जनरली नॉर्थ इंडिया में यूज़ करते हैं। अ मेथड ऑफ प्लांट एनालिसिस फॉर असेसिंग न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट इन शुगर केन इज क्रॉप लॉगिंग, ठीक है। क्रॉप लॉगिंग क्या है, ये एक मेथड है जिसमें प्लांट को एनालाइज करते हैं उस न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट के लिए, है ना, तो ये है क्रॉप लॉगिंग। फिर टाइंग एंड ट्रैपिंग इन शुगर केन इज टू प्रिवेंट लॉजिंग, लॉजिंग को रोकने के लिए टाइंग और रैपिंग करते हैं ना, ताकि शुगर केन झुके मत। ट्रेंच मेथड ऑफ शुगर केन प्लांटिंग इज सूटेबल फॉर कोस्टल एरियाज, है ना, कोस्टल एरिया में के लिए सूटेबल रहता है ट्रेंच मेथड। हर्डिंग अप इन शुगर केन इज डन एट 4 months आफ्टर प्लांटिंग, प्लांटिंग करने के 4 महीने बाद हर्डिंग अप करते हैं। द परमानेंट टाइप ऑफ रूट्स ऑफ शुगर केन इज शूट रूट्स, शूट रूट्स है वो परमानेंट टाइप ऑफ रूट्स है ना शुगर केन में। हाई सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स आर शुगर केन एंड ओट्स, है ना, ये दोनों क्रॉप हाई सॉल्ट टॉलरेंट रहता है। हार्मोन यूज्ड फॉर शुगर केन रैपनिंग इज ग्लाइफोसिन, है ना, ग्लाइफोसिन को शुगर केन रैपनिंग के लिए यूज़ करते हैं। शुगर केन सेट्स आर ट्रीटेड विथ एगालोल और एरेटॉन, है ना, ये दोनों से शुगर केन को ट्रीट करते हैं सेट्स को। केमिकल यूज्ड टू कंट्रोल फ्लावरिंग इन शुगर केन इज इथरेल, इथरेल से फ्लावरिंग कंट्रोल करते हैं शुगर केन में। रैपनिंग इन शुगर केन इज इन्हेंस्ड बाई स्प्रेइंग सोडियम मेटासिलिकेट पोलेरिस एंड इथरेल, है ना, ये तीनों केमिकल है जिससे अपन रैपनिंग को इन्हेंस कर सकते हैं, सोडियम मेटासिलिकेट पोलेरिस और इथरेल। द मोस्ट डेंजरस डिसीज ऑफ शुगर केन इज रेड रॉट डिसीज, ठीक है, रेड रॉट डिसीज सबसे ज़्यादा खतरनाक रहता है। रेड रॉट डिसीज इज कॉज्ड बाई कोलेटोट्राइकम फाल्केटम, ठीक है, किससे होता है, कोलेटोट्राइकम फाल्केटम रेड रॉट डिसीज। द पीथ ऑफ द रेड रॉट अफेक्टेड केन इमिट्स रोटेन फिश लाइक स्मेल, है ना, रेड रॉट अफेक्टेड जो एरिया रहता है वो सड़े हुए फिश की तरह स्मेल करता है। रेड स्ट्रिप ऑफ शुगर केन इज कॉज्ड बाई स्यूडोमोनास रूब्रिलिनस, है ना, ये रेड स्ट्रिप है जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है स्यूडोमोनास रूब्रिलिनस, है ना। ग्रासी सूट डिजीज का ग्रासी सूट ऑफ शुगर केन इज कॉज्ड बाई एमएलओ, है ना, ये माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म से होता है ग्रासी सूट। फिर है द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ शुगर केन स्मट इज, इस शुगर केन स्मट का कौन सा है, एस्टिलेगो सिटेमिनी, है ना, ये शुगर केन स्मट का है। वीप स्मट ऑफ शुगर केन इज कॉज्ड बाई एस्टिलेगो हॉर्टी, ये वीप स्मट का है। फिर देखते हैं साइंटिफिक नेम ऑफ शुगर केन पैरीला लीफ हॉपर इज पैरीला पर्पुसिला, ये है शुगर केन पैरीला का साइंटिफिक नेम। फिर देखते हैं विच पेस्ट कॉसेस बंची टॉप अपीयरेंस इन शुगर केन, कौन से पेस्ट से होता है बंची टॉप अपीयरेंस शुगर केन में, टॉप बोरर से, ट्राइपोराजा नोवेला से, ठीक है। द साइंटिफिक नेम ऑफ शुगर केन इंटर नोड बोरर इस चिलो सेकेरीफेगस, है ना, ये है साइंटिफिक नेम है किसका, शुगर केन इंटर नोड बोरर का, है ना, चिलो सेकेरीफेगस। फिर है साइंटिफिक नेम ऑफ शुगर केन रूट बोरर, रूट बोरर का क्या है, एमेलोसीरा डिफ्रेसेला, ये रूट बोरर का है। द साइंटिफिक नेम ऑफ वाइट फ्लाई ऑफ शुगर केन इज, वाइट फ्लाई का क्या है साइंटिफिक नेम, एल्यूरोलोबस बेरोडेंसिस, ये है वाइट फ्लाई का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू मेजर कमर्शियल क्रॉप्स इन इंडिया आर कॉटन एंड शुगर केन, है ना, ये दोनों कमर्शियल क्रॉप्स में गिना जाता है मेजर इंडिया में। मोस्ट कॉमनली यूज्ड हर्बिसाइड इन शुगर केन आर सिमेजिन एट्राजिन एंड एलाक्लोर, ठीक है, ये कॉमनली यूज्ड हर्बिसाइड है शुगर केन में।
सिमाजिन एट्राजिन और एलाक्लोर। फिर है वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ शुगर केन इज 150 to 250 सेंटीमीटर। वाटर रिक्वायरमेंट कितना है रहता है शुगर केन में, 150 से 250 सेंटीमीटर तक। लेटेस्ट प्लांटिंग टेक्निक डेवलप्ड बाई TNAU इन शुगर केन इज पिट मेथड, है ना। जो नया टेक्नोलॉजी डेवलप किए हैं TNAU से वो है पिट मेथड, है ना। प्लांटिंग मटेरियल यूज फॉर शुगर केन प्लांटिंग इज अपर 1/3 to 1/2 पार्ट ऑफ केन। मतलब शुगर रोपाई के लिए, प्लांटिंग के लिए शुगर केन के अपर 1/3 पार्ट से आधा तक लेते हैं, ठीक है, प्लांटिंग मटेरियल के रूप में। फिर देखते हैं नेक्स्ट है, द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ शुगर केन फॉर इरीगेशन इज फॉर्मेटिव स्टेज, है ना। कौन से स्टेज ज़्यादा क्रिटिकल रहता है इरीगेशन के लिए, ये है फॉर्मेटिव स्टेज, 60 to 130 डेज आफ्टर प्लांटिंग, है ना, 60 से 130 दिन के क्रॉप को लगता है सबसे ज़्यादा इरीगेशन, है ना। इंडियाज पोजिशन ऑन वर्ल्ड शुगर केन प्रोडक्शन इज सेकेंड, है ना, सेकेंड पोजिशन में है शुगर केन प्रोडक्शन में, फर्स्ट में कौन है, ब्राज़ील। टाइंग द केन्स बाई यूजिंग द लोअर बॉटम लीव्स इज कॉल्ड प्रॉपिंग। प्रॉपिंग किसको बोलते हैं, जो लोअर बॉटम लीव्स रहता है ना शुगर केन का, उसको बांध देते हैं, है ना, टाइंग करते हैं, वो कहलाएगा प्रॉपिंग। रिमूवल ऑफ ड्राइड एंड ओल्डर लीव्स इन शुगर केन इज कॉल्ड डी ट्रेसिंग, ठीक है। शुगर केन में रिमूव करते हैं ड्राइड और सूखा हुआ और पुराने पत्तों को, उसको बोलेंगे डी ट्रेसिंग। फिर है पहला ब्लाइट ऑफ शुगर केन इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ मैंगनीज। मैंगनीज की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है, पहला ब्लाइट, ठीक है। ब्लाइंड हुइंग इज डन इन शुगर केन, शुगर केन में ब्लाइंड हुइंग करते हैं। लीडिंग स्टेट ऑफ इंडिया इन शुगर केन प्रोडक्शन इज UP, ठीक है। लीडिंग स्टेट कौन सा है, UP है, जहाँ शुगर केन प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है दोस्तों। और तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।